फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। दोस्तों सबस्टियन सम्राट राष्ट्र, आज मैं बात करने वाला हूं पैरालिसिस या लकवा लगना। और इसकी रिक्वेस्ट जो सबसे ज्यादा बार की है वो है हमारे सब्सक्राइबर मित्र बेहद क्लोज, वो है प्रदीप जी ने। ये देखिए इनकी रिक्वेस्ट। तो पैरालिसिस जो है लकवा, ये अलग अलग कारणों से होता है, बहुत सारे इसके कारण हैं, बहुत सारे, लेकिन सबसे ज्यादा जो होने वाला कारण है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक का अर्थ है कि हमारे जो मस्तिष्क है उसमें जो ब्लड सप्लाई है उसमें किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न होना, और अवरोध उत्पन्न होने की वजह से वो वहाँ की जो कोशिकाएं हैं जिनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से वो डैमेज हो जाती हैं। स्ट्रोक इतना कॉमन है भारत जैसे देशों में कि आपको बताऊं लगभग 300 से 400 केसेस पर लाख पॉपुलेशन हैं इंडिया में, ये इसका प्रीवलेंस कहलाता है। और इंसिडेंस मतलब जो नए केसेस जो होते हैं उनकी संख्या लगभग 100-150 प्रति लाख केसेस हर साल नए आते हैं, तो इतना ज़्यादा है स्ट्रोक। स्ट्रोक में कभी कभी बहुत सीवियर स्ट्रोक होता है और कभी बहुत छोटा मोटा। छोटा मोटा जब बहुत कम देर के लिए पैरालिसिस होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, मतलब इसमें 24 घंटे से अंदर में इंसान की जो लकवाग्रस्त हिस्सा है वो ठीक हो जाएगा। कभी बोलने में दिक्कत हुई उसको अचानक से थोड़ी सी देर के लिए, कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक ये रह सकता है, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा यदि शरीर लकवाग्रस्त है तो उसे प्रॉपर पैरालिसिस का अटैक बोलेंगे या स्ट्रोक कहेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि जैसे ही ये अटैक होता है किसी को तो क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको अचानक सिर दर्द होने लगेगा, वोमिटिंग्स हो सकती हैं, कुछ कन्फ्यूजन सा क्रिएट होगा, चक्कर से आ सकते हैं, बोलने में दिक्कत होने लगेगी जिसको स्लरिंग ऑफ स्पीच कहते हैं, और अचानक से किसी एक हिस्से का सुन्न सा महसूस होने लगेगा और वो काम करना बंद कर देगा। तो इस तरह का जब भी अटैक हो तो सबसे पहला कदम है डॉक्टर के पास तुरंत लेकर जाएं। जैसे कि आप जानते हैं आमतौर पर न्यूरोलॉजिस्ट इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन कोई भी फिजिशियन भी इक्वली अच्छे से ट्रीट कर सकता है। यदि समय पर ले गए हम कुछ घंटों के भीतर, तो स्ट्रेप्टोलाइसिन वगैरह के जो इंजेक्शंस होते हैं या कभी कभी एम्बुलस के केसेस में एम्बुलाई को निकाला भी जा सकता है एक न्यूरोएंजियोग्राफी के द्वारा, तो ये मेथड से उसके जो कोशिकाओं के डैमेज को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। दवाओं को जो कि खून का थक्का जमा रही हैं ना जमने दें उसको दिया जा सकता है। तो बात आती है कि किन लोगों को ज़्यादा स्ट्रोक होता है, तो देखिए कुछ फैक्टर्स मॉडिफाइबल हैं और कुछ अनमॉडिफाइबल, जैसे कि जेनेटिक्स, जिनके परिवार में स्ट्रोक की हिस्ट्री होती है उनको संभावना ज़्यादा होती है, मेल्स में ज़्यादा होता है फीमेल्स की तुलना में। लेकिन कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जैसे कि मोटापा, ठीक है, डायबिटीज का कंट्रोल ना होना, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की शिकायत होना, स्मोकिंग यदि आप करते हैं और या अधिक अल्कोहल लेते हैं, या आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल अधिक है, तो इस तरह के यदि चीज़ें हों तो आपके स्ट्रोक के होने की संभावना अधिक होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है उस स्ट्रोक की संभावना अधिक होती है। हालांकि स्ट्रोक बच्चों में भी कई बार देखते हैं हम लोग, जैसे कि कुछ बीमारियों जैसे कि सिकल सेल डिसीज यदि किसी बच्चे को है तो उसमें होता है। साथ ही साथ में स्ट्रोक के दो प्रकार हैं कुल मिलाकर, एक तो मेजर रूप से देखें तो एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक और होता है एक इश्केमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में किसी वजह से ब्लीडिंग हो जाए, तो जैसे कभी कभी कंजेनाइटल जन्मजात रूप से जो वेसल्स होती हैं, जो धमनियां होती हैं, उनमें समस्या रहती है और वो फट जाती हैं अचानक से, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लीड हो जाता है ब्रेन में। तो या तो ब्लीडिंग हो जाए, या चोट लगने से ब्लीडिंग हो जाए, या फिर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उससे ब्लीडिंग हो जाए, तब भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा कॉमन कॉज है धमनियों का अवरुद्ध होना जब आपको डायबिटीज हो, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो, या इस तरह की, या कोई हार्ट डिफेक्ट है आपके वेल्व में, तब ज़्यादा होता है ये वाला इश्केमिक टाइप का स्ट्रोक। ठीक है, तो करना क्या है बचाव के लिए, वही कि अपना मोटापा है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, हाई लिपिड डाइट जो हैं आपकी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली वो मत लीजिए, डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो इन चीज़ों की वजह से आपका स्ट्रोक नहीं होगा। हालांकि स्ट्रोक का सबसे प्रमुख कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर का होना, और उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर
कि दवा आप खाते खाते अचानक से कभी बंद कर देते हैं, ठीक है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है बहुत असामान्य रूप से शूट होकर स्ट्रोक का कारण हो सकता है। तो यदि आप हाइपरटेंशन की दवाएं लेते हैं तो उनको रेगुलरली खाइए, उसको रेगुलर खाते हुए मेंटेन कीजिए। अब आती है बात जिन लोगों को ऑलरेडी स्ट्रोक हो चुका है, तो वो लोग, जैसे इन्होंने प्रदीप जी ने पूछा कि झाड़ फूक का क्या रोल है या लोग बहुत सारे करवाते हैं गांव में, तो देखो ये प्रचलित तब हो, ये इसलिए हो जाती है क्योंकि जब भी किसी को लकवा लगता है तो मांसपेशी बिल्कुल शिथिल हो जाती है, वो उठा नहीं पाता है, उसको झुंझुनी भी होती है कई बार सेंसरी सेंसेशन की वजह से, लेकिन इसमें रिकवरी कुछ 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 देर में होने लगती, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, तो पहले की तुलना में वो ज़्यादा उठाने लगता है। तो इस बीच यदि वो कुछ भी कर रहा है तो उस पद्धति को क्रेडिट मिल सकता है, उस झाड़फूँक को उसको, या तो इस वजह से इतनी प्रचलित हो जाती है झाड़फूँक, क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन यदि स्ट्रोक प्रॉपर है, 24 घंटे से ज़्यादा का था, तो पूरा का पूरा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स बनी रह जाएंगी, क्योंकि ब्रेन की जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो रिजनरेट नहीं होती, जैसे लिवर की कोशिकाएं रिजनरेट होती हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं किसी भी तरह से रिजनरेट नहीं होती, कुछ दवाएं जरूर आती हैं लेकिन वो भी पूरी तरह से रिजनरेट नहीं कर सकती। तो इसलिए यदि स्ट्रोक से लकवा लगा है तो आपको फंक्शनल लॉस होगा, तो इस फंक्शनल लॉस को कम करने के लिए जो ऑलरेडी पैरालाइज्ड हैं उनके लिए 3-4 तरीके हैं। एक तो जिनको स्ट्रोक हुआ है उनको आगे स्ट्रोक ना हो उसके लिए आपको दवाएं लेनी होंगी, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवा या कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़े उसके लिए दवा, एस्पिरिन कई बार लंबे समय देनी होती है, एस्पिरिन या ब्लड का थक्का ना जमे उसके लिए जो दवाएं चलती हैं वो लंबे समय तक चल सकती हैं साथ में। लेकिन जो लकवाग्रस्त हो गया वह हाथ तो या पैर या जो भी चेहरा, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसके फंक्शन सिखाने के लिए, जिससे कि वो अपने डे टू डे के वर्क कर सके, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, और कभी कभी यदि बोलने में दिक्कत होती है तो स्पीच थेरेपी। एक बात बता दूं कि स्ट्रोक की वजह से कभी कभी कंप्लीट अंधत्व तक हो सकता है, यदि जो रेटिना को जो सप्लाई कर रही है वेसल्स वहां पर यदि अवरोध उत्पन्न हो जाए। तो ये थी दोस्तों स्ट्रोक के संबंध में जानकारी, स्ट्रोक हुआ है या नहीं हुआ इसके लिए जो कंफर्मेटरी जांच होती है वो है ब्रेन का सीटी स्कैन और बेहतर एमआरआई, ठीक है, ब्रेन के एमआरआई वगैरह से पता लगाया जा सकता है कि किस हिस्से में कितना बड़ा हिस्सा स्ट्रोक हुआ है, और ये हेमरेजिक स्ट्रोक है, पुराना स्ट्रोक है, नया स्ट्रोक है, ये सब चीज़ें एमआरआई के द्वारा पता लगाई जा सकती हैं। तो रोकथाम का तो बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है दुनिया में कि आप कोई स्ट्रोक ना हो, उसके लिए काफ़ी तरीके हैं, लेकिन जहाँ तक ठीक करने की बात है तो ठीक करने में कंप्लीट रिकवरी बेहद मुश्किल होती है, नहीं होती, तो उसके लिए जो डिप्रेशन है उसको दूर करना, फिजियोथेरेपी करवाना, उसको काम सिखाना, ये इस तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। तो ये थी जानकारी साइंटिफिक रूप से स्ट्रोक के विषय में, हो सकता है कि आपके किसी अपने को कभी इसकी ज़रूरत हो तो आप उनको शेयर करना और उनकी एंग्जाइटी दूर करते हुए उनकी मदद करना। थैंक यू वेरी मच।